सिद्धू मूसेवाले के कतल तो बाद कई कलाकारां दे उत्ते उंगल उठी, उन्हां दे परिवार ने उठाई, बहुत चर्चा चलती रही। आम लोगों के मन में सवाल सी कि यार तुसीं तां चंगा भला गाउंदे सी, थोनों तो रुपये वट हुंदे सी, तुसीं तीन चार घंटे आउंदे सी, लखां लैके चले जांदे सी, आम बंदे नूं तीन चार घंटे का 100 रुपया नहीं कुदंदा, ते गैंगस्टरां दे नाल संबंध क्यों जुड़ रहे ने जां जुड़े जा रहे ने, वह सच्चे ने जां झूठे ने नहीं पता। सिद्धू मूसेवाले का कतल हो गया पिछले दिन ही, करण औजला ते शैरी मान दे शो दे विच एक बंदा विखाई दिता, लोगों को लगा कि अनमोल बिश्नोई है। उहदे तों बाद भारत सरकार ने बयान दिता कि भाई वह तो डिटेन कर लिया सी, सितंबर दे विच उत्थे किदां पहुँच गया सानू नहीं पता। फिर उहदे तों बाद इधरले पासे एक परचा पुरचा दर्ज होया, 7-8 बंदे उहदे विच जिहड़े उह शामिल पाए गए जां उहनां दे उत्ते शक सी, उहनां नूं गिरफ्तार किया गया। हुण पहली गल कि एक पोस्ट पैंदी है, जिहड़े 7-8 बंदे गिरफ़्तार किए गए सी उहनां दे विचों एक दा नाम करण औजले नाल जोड़िया जा रहा सी कि भाई उहदा नेड़ला है, उहदा मैनेजर है, उहदा है। करण औजले ने सोशल मीडिया दे उत्ते, कलाकार वड्डा भाई, उह भी सोशल मीडिया दे उत्ते एक पोस्ट शेयर की, उह कहिंदे जी मैनूं इह नहीं समझ आउंदी कि हर चीज़ दे नाल मेरा नाम क्यों जोड़िया जा रहा। वह कहिंदे जी जिस बंदे नूं हुण पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जे उहने कुछ गलत किया तो सज़ा भुगते, मेरी तां 2 साल तो उहदे नाल गल भी नहीं होई। ते कहिंदे जी सोशल मीडिया ते मीडिया दे उत्ते जे अफवाहां वाले उहनूं मेरा बहुत जिगरी यार दसी जांदे आ, ते जिहड़ा मित्र हुंदा उहदे नाल तुहाडी रोज़ गल हुंदी, हफ्ते च इक दो वारी गल हुंदी आ, ते मेरी तां 2 साल तो उहदे नाल कोई गल नहीं होई, ते जे उहने कोई अपराध किया है ते तुसीं उहनूं प्रशासन सज़ा देऊगा, उहदी जांच पड़ताल चलदी आ, पर मेरा उहदे विच की लेना देना। अगली गल उन्होंने सोशल मीडिया के उत्ते लिखी, वह कहिंदे जी देखो शायद बंदे नूं अपना आप साबित करने लिए कहिंदे इत्थे मरना पैंदा है। अगली गल उन्होंने होर कहती, वह कहिंदे जी मेरे ते कई बार हमला होया, इन्नी बार मैनूं धमकियां मिलियां, हुण मेरा नाम बार बार इधरले पासे जोड़िया जा रहा, यह गलत है, इस तरह ना करो, नहीं तो असीं कानूनी कार्रवाई करांगे। आ जिहड़ियां अफवाहां फैलाईयां जा रहियां, पंजाब च एक वकील साहब ने उन्हां दे जिन्हां नूं अथॉरिटी उन्होंने दित्ती, उन्होंने भी कहा, वह कहिंदे जी देखो असीं मीडिया नूं भी सोशल मीडिया से भी बेनती करते हैं कि तुसीं पहलां किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो पता कर लिया करो तत्थां दा, किसी एजेंसी तो पता कर लिया करो, प्रशासन तो पुछ लिया करो, जे तुसीं इस तरीके जिहड़ी उह गल करदे रहे ना उहदा जोड़दे रहे तां सानूं मजबूरन कानूनी कार्रवाई करनी पऊगी, चाहे वह मीडिया चाहे सोशल मीडिया चाहे कोई भी बंदा। तो वह कहिंदे जे किसी का कसूर है उहनूं सज़ा मिले, पर बेकसूर बंदे नूं तुसीं इस तरीके बदनाम करन दी कोशिश ना करो। इहदा मतलब है कि हुण आउण वाले दिनां दे विच हो सकदा है किसी नूं समन जाण, किसी नूं कोई कानूनी नोटिस निकले, असीं भी देखो ये गलत असीं भी चाहुंदे आ, संधालिया साहब किसी का भी किसी नाल ना जोड़ दिओ, हाँ जे कोई तत्थ है जे कोई प्रशासन कहिंदा है उधरले पासे नूं गल तुरदी है, जे सच्ची मुच्ची उह बंदा मेरे ख्याल शर्पी कुमण की नां सी इदां दा कोई नां सी कि सानूं नहीं पता वह कसूरवार भी हैगा कि नहीं हैगा, जे तां उह गिरफ़्तार होया पुछ गिछ होऊगी, सबूत अदालतां जाणगे बाद दी गल है, पर जे उहदी 2 साल तों करण औजले दे नाल कोई मुलाकात ही नहीं हुई, जे उहदा बहुता संबंध ही नहीं सी, जे चाके उह चीज़ां जुड़ियां जा रहियां ते जे किते गलत जुड़ियां जा रहियां, फिर तां बंदे दा कहाण ही है ना। नहीं कहाण तां हैगा, पर तुसीं देखो उस वक्त कई बंदे लगे भी यार वो चक्कर की सी, चक्कर यह आ भी 3 बंदे गिरफ़्तार किए पुलिस ने, तो इल्ज़ाम यह लाउंदी है पुलिस कि भी इन्हां ने बहुत सारे बंदियां दे जाली कागज़ पत्र जिहड़े सी उह तैयार करके करवा के उहनां नूं मुल्क तों बाहर कढ़िया, पासपोर्ट भी बनाया है ना। यह मतलब यह हो गया भी जो कागज़ पत्र तुसी अगले दे जाली तैयार करते हो, नकली आई डीज़ तैयार करते हो, उन्होंने आई डीज़ के बंदे नूं बाहर कढ़ देने, तो छोटा क्राइम तो है नहीं। हुण जे उस लैवल का क्राइम है तो वो जो आ जी करण औजले होरां ने गल की भी यार जो मेरा लिंक नहीं तुसी धक्के नाल क्यों जोड़दे हो, वो गल ठीक है, जे लिंक नहीं है तो नहीं जोड़ना चाहिए, पर दूजे पासे जिहड़ी चीज़ का करके लिंक जुड़दा सीगा उधरों हुण एक धमकी कहिंदे आ भी जरूर आई है, क्योंकि लिंक यह जुड़दा सी ना भी हाँ भी वह भी जिन्हां दे कागज़ पत्र बना के बाहर भेजे जी वह बंदे गैंगस्टर सी जां गैंगस्टरां दे नेड़ले सीगे, फिर यह भी चक्कर चलता सी भी वह कितने ना कि गैंगस्टर जिहड़े ने ग्रुपिज़म का शिकार ने भी एक पासे एक ग्रुप है दूजे पासे दूजा ग्रुप है, तो गाए बगाए एक दूसरे नाल जां ते टकराव हुंदा सी जां धमकियां हुंदियां। हुण भी क्योंकि जो इत्थे ग्रुपिज़म चलता हुण शायद बंबीहा ग्रुप ने धमकी दी है करण औजला ते शैरीमान होरां नूं, क्योंकि उन्होंने जिदा कहा भी साडा उत्थे पिछले दिन भी उन्होंने कहा सी एक्सक्यूज़ दे दिता सी भी साडा तां लैणा देणा कोई नहीं हैगा, भी उत्थे असीं तां पार्टी किसे ने बुक कीती असीं अपना प्रोग्राम ला के मुड़े आए, कौन आया कौन नचया सानूं पता नहीं, पर वह जिन्हां ने धमकी दी है वह कहिंदे भी तुसीं भावें लख सिपाहियां दे जाओ सानूं सारा कुछ पता। संधालिया साहब देखो जदों दा सिद्धू मूसेवाले दा कतल होया उहदे तों बाद लगातार बंबीहा ग्रुप वाले वह कही जांदे असीं बदला लैणा, हुण उन्होंने क्यों बदला लेना, वह किस अधिकार दे विच कही जांदे आ, जानी उन्होंने क्यों बदला लेना। सिद्धू मूसेवाले दा टब्बर है परिवार है, अगले बंदे अदालतों दे विच लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा के बाहर जाके धरने देंदे आ, लगातार चीज़ां ऑर्गनाइज़ करी जांदे आ,
ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਸੰਧਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ਚੰਗਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚੰਗਾ।